आपका नाम? न्याजम। हाँ जी न्याजम अरे आपके बाप का नाम? ममदमीन। हाँ जी अमीन है भाई, आप तमीज से बात करें, क्या हो गया? आपको बात करने की तमीज नहीं है? आपका नाम नियाज अहमद? हाँ जी। बाप का नाम अमीन? हाँ जी। अमीन के बेटे हो? हाँ जी। क्या ना अमीन का बेटा वहां? अमीन को इस बात का पता है? हाँ जी पता पता है इसका। अच्छा अमीन को पता है इस बात का? हाँ भाई पता है। उसको किसने बताया? मैंने कह दिया है ना, मेरा बाप को पता है इस बात का, उसको पता है बस। बताया किसने? बस बता दिया, जिसको भी बताया ठीक है बस। अमीन को किसने बताया? भाई मेरी वालदा ने बताया। वालदा को किसने बताया? वालदा को पता है इस बात का। उनको कहां से पता लगा? बीबीसी से। भाई वालदा को पता होता है बस, छोड़ो इस बात को। तुम अमीन के बेटे हो? हाँ जी अमीन का बेटा। अमीन तुम्हारा बाप है? मैंने कह दिया ना अमीन का बेटा हूं, बस खत्म हुई बात। बात क्यों खत्म होगी? बात कहो ना, इसमें चिढ़ते क्यों हैं आप? अमीन के बेटे हैं? हाँ जी अमीन का बेटा हूं। अमीन आपके घर आता था? अमीन मेरे घर में रहता था। तुमने पूछा नहीं कि क्यों रहते हो? मेरा बाप है, मैंने नहीं पूछा उसे। आपका बाप है, आपके घर आता था वो पहले? हाँ जी आता था। जाता भी था? जी जाता भी था। आता जाता रहता था? तुमने अमीन को अपने घर में पहली दफा कब देखा? मैंने कह दिया अमीन घर में रहता था बस, उसको वही देखा। सवाल ये पैदा होता है कि आपने अमीन को अपने घर में पहली दफा कब देखा? मैंने पैदा होने के बाद देख लिया। कितनी देर के बाद देखा? बस थोड़ी देर के बाद देख लिया। फिर भी कितनी देर बाद? बस दो तीन घंटों के बाद देख लिया। तो क्या तुम मुतमईन हो गए थे कि ये तुम्हारा बाप है? मैं मुतमईन था मेरा बाप है बस, ठीक है। आपको दो तीन घंटे में तुम इतने सियाणे पैदा हुए थे। कागज के इंसानों पर आग की निगरानी है, कागज के इंसानों पर आग की निगरानी है, और प्यासा खड़ा हूं मैं चारों तरफ पानी। मैं क्या करूं? मेरी शादी हो गई। इसकी शादी हो गई, इसीलिए तो इसकी ये हालत हो गई। कैसे बालों को तुमने बढ़ाया? ये चुटिया किसने बांधी? ये तो एआर वाई वाली मेकअप वाले ने बांधी। बढ़ाए तो बाल तूने हैं क्या? उसने बढ़ा के दिए हैं? बढ़ाए मैंने। दाढ़ी बड़ी प्यारी रखी है, ऐसा लगता है मुंह पे तुमने कोई छोटा सा ताला लगा रखा है। तुमने ये क्या तमाशा लगा रखा है हमें? तुमने क्या पागल बना रखा है? हर आदमी तेरे गुण गाता है, हर आदमी तेरी कव्वाली गाता है। इंडिया वाले भी तेरी कव्वाली को चुराते हैं और बना के कव्वाली करोड़ों रुपया कमाते हैं। कि सफर तो मैंने किया था वरना, सफर तो मैंने किया था वरना, साजो सामान उसके थे। अल्लाह। सफर तो मैंने किया था वरना, साजो सामान उसके थे। मैं तो बस राजदार था उसका, वरना तो सारे राज उसके थे। वाह वाह। मैं तो बस राजदार था उसका, वरना तो सारे राज उसके थे। दरिया में प्यासा बैठा था जबकि समंदर तमाम उसके थे। सुभान अल्लाह।
और वो धूप में बैठा है छांव देने को, वो धूप में बैठा है छांव देने को, वो धूप में बैठा है छांव देने को, जबकि दरख्त सारे सायादार हवाले रब दे कॉमेडी किंग उमर शरीफ के इंतकाल पर भारतीय फनकार भी अफसरदा। अदाकार जॉनी लीवर कहते हैं कि उमर शरीफ का काम बिल्कुल अलग था, ऐसे लोग हजारों साल में पैदा होते हैं। उमर शरीफ ने ड्रामों को नया दर्जा दिया, वो बहुत हाजिर जवाब थे। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने उमर शरीफ को लेजेंड करार दिया। कॉमेडी का बाब बंद, सबको हंसाने वाला सबको रुला गया। स्टेज के बेताज बादशाह और कॉमेडी किंग उमर शरीफ इंतकाल कर गए। उमर शरीफ कंपेयर्स अदाकार, सदाकार, स्क्रिप्ट राइटर, नगमनिगार, डायरेक्टर, गुलकार, फिल्म सास, मुनफरिद और हर फन मौला फनकार थे। फनी खिदमात पर कई फिल्मी अवार्ड और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगाए इम्तियाज से नवाजा गया। उमर शरीफ 19 अप्रैल 1955 को कराची के इलाके लियाकताबाद में पैदा हुए। करियर का आगाज 14 साल की उम्र में किया। स्टेज, फिल्म या ड्रामा जहां नजर आए कह कहे ही लगवाए। लॉलीवुड हो या बॉलीवुड के स्टार्स,